Singh, your zoology educator, and we are here with yet another amazing quick, quick informative session. जहाँ पे मैं एक बहुत important चीज बताने वाली हूँ तुम लोगों को जो कि specially जो अभी बच्चे exam देने वाले NEET का उन लोगों के लिए specially बहुत ज़्यादा important है. तो ध्यान से सुनना.

डिशन है कि नहीं यस yes, तो मेक श्योर करिएगा आप फॉलो जरूर करिए शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए बेल आइकन बजा लीजिए ताकि आपको जो है जब जब सेशन आए तब का आपको एक नोटिफिकेशन टिंग करके बच जाएस अपने ऐप को डाउनलोड कर ही लिया होगा है ना नहीं किया तो जल्दी कर लो ऐप आप पे आपको जो है अमेजिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल जाएंगे ट्वेंटी थ्री वाले करो जितना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अफला तुन करते रहो है कि नहीं कुछ ही दिन बचे बीस ही दिन बचे तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना येस yes. और आपका टेलीग्राम चैनल ये आपका टेलीग्राम चैनल है सारे एजुकेटर्स अपने जितने अपडेट्स रहते हैं यहीं पे डालते हैं है कि नहीं तो आपको जितने लिंक्स हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि भाई क्या सच में नहीं सच में मैम ऐसा होता है कि हमको हमने गलत मार्क किया है यार मैं तो गलत करके आ गया एग्जाम में क्या फिर भी मार्क्स मिलेंगे हाँ जी हाँ जी मिलेंगे ओनली ऑन सर्टन कंडीशन ऐसा नहीं कि गलत कर दिया मिल जाएंगे नहीं

दोपहर के जो तीन घंटे हैं आपके यस ये डिसाइड करेंगे कि आपका आगे का साल कैसा गुजरने वाला है, है कि नहीं तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ठीक है एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर जो है पेन एंड पेपर मोड होता है बॉल पेन आपको जो है वहीं से मिल जाता है पेपर मिल जाता है सब कुछ आपको ओ एम आर शीट जो है आपको वहीं से मिल जाए कुछ कैरी नहीं करना है आपको यस कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन ओ एम आर शीट टू मार्क द आंसर्स विद अ ब्लॉक और ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ठीक है ये तो आपको सबको नेक्स्ट इज कि आपका ड्यूरेशन क्या है नीट के एग्जाम का नीट के एग्जाम का ड्यूरेशन होता है तीन घंटे ये घंटे आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट घंटे घंटे हैं एंड मिनट का टाइमिंग आपके पास रहता है ठीक है लैंग्वेज देखिए तो बहुत सारे लैंग्वेज में होता है आई एम अज्यूमिंग मोस्टली जो आप लोग लाइव आते हो इंग्लिश मीडियम कुछ हिंदी है ये yes, आसामीस बंगाली गुजराती मराठी तमिल तेलुगु और या मलयालम कन्नड़ा पंजाबी उर्दू ये सारे लैंग्वेजेस में आपको जो है नीट आप दे सकते हो ठीक है क्वेश्चन टाइप की बात करें तो भाई एम ही होते हैं है ना आप हमारे एम होते हैं प्रैक्टिस सेशन में भी आपने देखा रहेगा बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करती हूँ मैं कि ज्यादा से ज्यादा एमसी आप सॉल्व करें सिर्फ पढ़ने पढ़ते पढ़ते जो है हमको ऐसा लगता है हमको ये आता आता है बट जब हम एम सॉल्व क्यू सोल्व करना चाहते हैं तब पता चलता है कि यार हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एमसीक्यूस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपना एग्जाम भी उसी पैटर्न में हमारा होने वाला है ठीक है आपको पूछे जाएंगे कैंडिडेट्स विल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जितना आता है आप उतना ही सॉल्व करें तुक्केबाजी के यहाँ पे ना करें क्यों ना करें यहाँ पे होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए हर रॉन्ग आंसर के लिए एक मार्क आपका चला जाता है तो ये वन मार्क की कुर्बानी आप ना करें क्योंकि टोटल मार्क्स में से आपको पांच मार्क्स चला जाएगा तो ये पांच मार्क आपको नहीं गंवाना है, है कि नहीं तो आपका नीट का जो मार्क्स है आपका सेवन ट्वेंटी मार्क्स का एग्जाम होता है ठीक है चार मार्क हर करेक्ट आंसर के लिए हर करेक्ट आंसर के लिए आपको प्लस फोर मिलता है अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया है आपको मिलेगा प्लस फोर अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आपको मिलेंगे माइनस वन अब ये माइनस वन मतलब क्या देखो ये प्लस फोर तो गया तो गया. 4 तो गया मार्क्स गए प्लस एक एक और मार्क्स चला गया यानी अगर हम टोटल में से देखें तो पांच मार्क्स आप गवा देते हो ये गलत क्वेश्चन करने के लिए तो आपको जो है जितना आपको आता है अगर आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं कि हाँ इसका आंसर मैम यही था पढ़ा था मैंने तो ही माँ करके आए तुक्केबाजी ना करें क्योंकि वो लालच के चक्कर में क्या पता ये सही हो उस चक्कर में जितना आपने कमाया है उसमें से भी आप गवा देंगे तो बिल्कुल भी तुक्केबाजी यहाँ नहीं करनी है अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है कोई मार्क्स नहीं कटेगा सिर्फ आपको ये चार मार्क आपको नहीं मिलेगा बट मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक यस तो इतना तो हमको क्लियर हो गया है यस वॉट एल्स

स्पेशली ट्वेंटी फोर वाले जो बच्चे हैं आप लोग ये ध्यान दो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ट्वेंटी थ्री वाले बच्चे हैं अगर कोई फ्रेशर है आई होप अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड जितना ज्यादा आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स बिलो ठीक है ये बाकी तो अपना टेलीग्राम चैनल है ही है ना चलो तो थर्टी फाइव क्वेश्चन ये थर्टी फाइव क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं इन टू फोर यानी चार मार्क्स के होंगे ये हो जाता है आपका वन फोर्टी मार्क्स ठीक है अब आते हैं सेक्शन बी पे तो सेक्शन बी देखो क्वेश्चंस क्वेश्चंस अब ये जैसे अगर हम यहाँ पेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये पंद्रह क्वेश्चन पूछे गए आई होप सबको पहले से पता है ये पंद्रह क्वेश्चन में से सिर्फ दस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आपको इनमें से सिर्फ दस क्वेश्चन अटैम करना है पूरे पंद्रह नहीं करना है और अगर आपने एक्स्ट्रा कर भी दिया ये सोचा कि नहीं हम कर देते हैं एक्स्ट्रा मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले बल्कि फर्स्ट टेन ही कंसिडर किया जाएगा बाई चांस आपने अगर फर्स्ट टेन में गलती की है और अगर आपका जो ग्यारहवां बारहवा क्वेश्चन है वो करेक्ट है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपको जो है ये दस क्वेश्चन ही अटैम्प करने हैं अब वो कैसे भी अटैम्प कर सकते हो आप चाहो तो पहले ये कर सकते हो बीच के ये कर सकते हो वो कैसे भी कर सकते हो बट आपको अटैम्प करने हैं सिर्फ दस ठीक है ये आई होप सबको क्लियर हो गया है फिजिक्स का दस केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी दस दस मार्क्स के होंगे और ये आपको देते हैं फिर चालीस चालीस मार्क्स तो ये टोटल देखने जाए ऐसे इस तरीके से आपका होता है एग्जाम का पूरा सेवन ट्वेंटी मार्क्स कि नहीं ये इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आता है आई होप वो दस मार्क वाली चीज आपको क्लियर हो गई हो क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगी तो आगे आपको बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा तो पहले करते हैं कि बोनस मार्क्स सेक्शन ए में से क्या क्राइटेरिया है हमारे बोनस मार्क्स कमाने के कैसे कमा सकते हैं हम बोनस मार्क्स अगर हम सेक्शन ए में गड़बड़ करते हैं तो तो एक एक क्राइटेरिया पढ़ते जाते हैं तो देखो इफ मोर देन वन ऑप्शन अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जहां पे

यस yes, चार मार्क्स मिलेगा ओनली हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ़ करेक्ट ऑप्शंस मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास ए बी सी डी इसमें से बी करेक्ट है सी करेक्ट है आपने अगर डी मार्क किया तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है बढ़ हा अगर आपको लग रहा है कि बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं इनमें से आपने कोई भी एक मार्क् कर दिया

और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ठीक है यानी एंटी एन है कुछ भलता ही आपको ऑप्शन दे दिया है क्वेश्चन सही है ऑप्शंस कुछ भी दे दिया है और या तो क्वेश्चन ही गलत है ठीक है या तो क्वेश्चन आपको ड्रॉप आउट करना है कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है और अ क्वेश्चन इज ड्रॉपड देन ऑल द कैंडिडेट्स जितने कैंडिडेट हैं हु हैव अपीयरड विल बी गिवन फॉर मार्क्स

क्वेश्चन ही ड्रॉप्ड है ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है किसी क्वेश्चन में तो आपने अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट ना किया हो आपके चार मार्क्स आपके जाते हैं तो हम तो भाई प्रे करते थे कि ऐसे क्वेश्चन कर दे एंटी ऐसे गलती कर दे तो मजा आ जाए ना चार मार्क्स तो कहीं नहीं अटेम्प्ट किया तो भी मिलेगा नहीं अटेम्प्ट किया तो भी मिलेगा मिले मतलब चार मार्क्स तो है कंफर्म अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है हो ही होता है तो ऐसा मिलेगा तो ये था क्राइटेरिया आपके सेक्शन ए का आई होप क्लियर हो गया है सबको है ना कि सेक्शन ए में किस किस क्राइटेरिया पे आपको प्लस फोर मिलेगा क्लियर और बाकी सेक्शन ए तो आपको पता है कि पूरे थर्टी फाइवी फाइव क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट है तो उसमें अगर आपने छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा अगर किया है तो आपको तो मिल ही जाएगा ठीक है अब आते हैं सेक्शन बी पे ये थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा सा टेढ़ा है सेक्शन बी

तो चार मार्क कहीं नहीं जाने वाले चार मार्क आपको मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो ही सेम जैसा सेक्शन ए में था तीसरा वाला थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि क्यों क्योंकि आपको पंद्रह क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से आपको सिर्फ दस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा लक लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताती हूँ क्यों अगर कोई क्वेश्चन गलत है कोई क्वेश्चन गलत हो गया इनकरेक्ट हो गया या फिर कोई क्वेश्चन ड्रॉप्ड है तो चार मार्क्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे यस 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल दोस हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर कुछ भी एरर होने दो तो, एनटीए ने गलती की है तो वो अपनी भरपाई करेगा वो उन लोगों को मार्क्स देगा जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है भले रॉन्ग मार्क है भी किया, तो भी तो मार्क्स मिलेगा इसमें से आप ये वन टू थ्री ऐसे पंद्रह तक है है ना इसमें से तो आपने जो है वो चांस खो देना है तो ये थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है कि यहाँ पे आपका लक साथ देना चाहिए yes, कि आपने मार्क किया है या नहीं किया है तो प्रे करना अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो खुद पे जज मत करना खुद के प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ हमने पढ़ा है और अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है ऐसा कि यार ये तो गलत है ये क्वेश्चन गलत है तो खुद को जज मत करना खुद को डाउट मत करना नहीं शायद मुझे ही नहीं आता खुद को अगर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है एन ने गलत क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए था तो उसको जरूर अटेम्प्ट करके आना

बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवन अ सिंगल मार्क इवन अ सिंगल नेगेटिव मार्किंग कैन अफेक्ट योर एडमिशन इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज यस आपके ड्रीम कॉलेज में घुसने के लिए हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है तो तुक्का भी हो सोच समझ के मारना मैं तो एडवाइस करूँगी तुक्का मत मारना ठीक है पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो उधर तुक्का मारने से अच्छा है यहां पे अपना मेहनत दो यहाँ पे प्रिपरेशन करो और अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि वो नौबत ही ना आए कि आपको तुक्का मारना पड़े ठीक है गाइस यस तो आई होप सारी चीजें अब आप, आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी तो आप क्या करना है किस सेक्शन में आपको कैसे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे फर्स्ट सेक्शन तो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं सेकंड सेक्शन में दस अटेम्प्ट करने हैं वो दस कौन से क्वेश्चंस होंगे ये सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सोच समझ के प्रिपरेशन करिए अपना ओ एम आर शीट लेके रोज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए स्पेशली अभी जिनका कम दिन बचे हैं और अगर सिलेबस कंप्लीट है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें ये दस ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मॉक टेस्ट में और एनालिसिस जरूर करना पेपर का ठीक है एंड इफ यू गाइज नीड मी टू प्रिपेयर वन मोर वीडियो जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आपको अपने पेपर का अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और ऑन टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी स्टूडेंट्स एज यू कैन जो, जो aspirants कि जो एक्सपीरियंस है ताकि उनको भी हेल्प मिले अपने सोशल मीडिया पर चाहिए तो मुझे टैग कर लो प्लीज़ शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया टैग मी ओवेदर आई री शेयर योर स्टोरीज दैट आई विल डो दैट दै उसमें कुछ कमी नहीं आएगी बट प्लीज़ गाइज प्लीज़ डू इट शेयर इट लेट एवरी वन नो काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं अपडेट रहता है इस चीज़ के बारे में शेयर इट एज़ मच एज यू कैन ठीक है चलो इसी के साथ लेट्स एंड आवर सेशन जो भी आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेरी रहेगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी तो मुझे लगता है आप तो इतने अच्छे होगे आपने लाइक तो कर ही दिया होगा यस yes, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को जो भी नए बच्चे हैं वेलकम टू बायो हैंकर्स वेलकम टू एम्बाईब एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग ऑसम एंड स्टे ऑसम टिल देन टाटा बाय टेक केयर एंड कीप एम्बाईविंग कीप एम्बाईविंग वी बिलीव इन यू